हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रायपुर के लिए, निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, पन्ना से जा रहे हैं बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड से जाएंगे सतना, फिर सतना से जाएंगे कटनी ट्रेन पकड़ के। तो अभी चलते हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं, हम लोग बैठ गए सामान वामान लेके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, बस स्टैंड से बस पकड़ के सीधा बस से मिलते हैं। तो मिलते हैं सीधा बस पे। आज हम लोग बस से बैठ चुके हैं और अभी जा रहे हैं सतना के स्टेशन। तो चलते सतना पहुंचने के लिए 1.5 घंटा है अभी तो यहीं से निकले हैं। तो सीधे सतना पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो गाइस, हम लोग रेलवे स्टेशन में बैठे हुए हैं, अभी टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं। तो ट्रेन हमारी 6 बजे की है, तो हम सतना से पहले कटनी जाएंगे, फिर कटनी से ट्रेन पकड़ेंगे 11:30 की है। तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमको 1 घंटे के ऊपर वेट करना है यहाँ पे, 1-2 घंटे। तो अभी तो बैठे हुए हैं सब, 1-2 घंटे वेट कर रहे हैं हम लोग। अभी 1-2 घंटे यहाँ वेट करेंगे, बैठते हैं थोड़ी देर। तो गाइस, हम लोग वेट करते करते अभी टाइम हो गया है 5:30 हो रहा है। तो अभी वेट कर रहे थे ट्रेन का इतनी देर से, तो अभी ट्रेन निकल चुकी है। तो अभी उसको लगेगा 12 घंटा और वेट करते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ का एकदम मौसम अच्छा हो रहा, दिखाता ये देखो गाइस, अच्छा दिख रहा है मौसम। तो बैठते हैं ट्रेन है की, तो सीधा ट्रेन में मिलते हैं आपसे। गाइस, ट्रेन आती है, आ रही जा रही है, पर हमारी ट्रेन आ नहीं रही। आनी थी 6:15 को, पर लेट हो गए, अब आ रही है 6:30 को। तो क्या करें, ट्रेन से आ ही जा रही है, हमारी ट्रेन नहीं आ रही है। अगर आनी थी अभी 6:15 को और लेट हो गई, और अभी 6:15 हो रहे हैं, अभी 6:30 तक आएगी, लेट हो गई है। तो बैठते हैं 6:30 तक के, तो यहाँ बैठना है, फिर वहाँ कटनी से पूछे, फिर वहीं रात की ट्रेन है 11:30 की है, तो वहाँ भी 2 घंटे बैठने हैं। तो करते इंतज़ार, आएगी तो दिखाता हूँ, ट्रेन आई है फिर चढ़ के बैठेंगे। तो वेट करते बैठे बैठे और क्या कर सकते हैं। तो गाइस, हम लोग कटनी से आ गए हैं, सॉरी सतना से आ गए हैं कटनी। तो अभी कटनी में खड़े हैं, अभी ट्रेन हमारी आएगी, वही आपको तो पता है, अभी पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, 11:30 तक आएगी। तो अभी हो रहे हैं 8:30 हो रहे हैं, तो अभी हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे। हम लोग आए पूछे कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 भी आएगी, तो वो बोलते हैं, मतलब यहाँ जिनसे इंफॉर्मेशन लेते काउंटर पे, तो बोलते हैं कि यहाँ आने में प्लेटफॉर्म सही है, पर रायपुर जाने के लिए कोई फिक्स नहीं है प्लेटफॉर्म उसका। तो वही देखते जब आएगी तब पता चलेगा कि कहाँ से कैसा क्या जाना है। तो तब तक बैठते हैं, खाना पीना करते हैं, और जैसे ट्रेन आती है फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:40 हो रहा है अभी, और हमारी ट्रेन आने वाली है अभी, तो हम लोग जा रहे हैं B13 में। तो यहाँ से कितना दूर आप पीछे देख सकते हैं, कोई नहीं आ रहा, 1-2 लोग आ रहे हैं, बाकी पीछे पूरा खाली है और आगे भी पूरा खाली है हम लोग के अलावा। चलो चलते हैं, अभी तो ठंडी भी बहुत है, ठंड लग रही है एकदम ज़्यादा है। तो चलते हैं, अभी ट्रेन में बैठ के मिलते हैं। हाय गाइस, तो हम लोग रायपुर आ चुके हैं, तो अभी हम लोग घर पहुंच गया था, क्योंकि सुबह ब्लॉग बनाने का मिला नहीं, क्योंकि एकदम ऐसा तो एकदम भीड़ थी, कचड़ था, तो हमें बन नहीं पाता, सामान थोड़ा ज़्यादा था। तो अभी घर पहुँच गए, फिर हम लोग अभी बाहर निकले गेहूँ पिसाने के लिए, तो अभी गेहूँ पिसाए जा रहे हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।